फालतू में वकील को पैसे मत देना, ये लोग हमें फांसी देने वाले हैं। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं मातृभूमि को स्वतंत्र देखना चाहता हूं। इस जन्म में मातृभूमि का कर्ज चुका लूं, अगले जन्म में तेरे पेट से जन्म लूंगा एक बार फिर, और फिर तेरा कर चुकाऊंगा। ये मेरे जीवन के आखिरी शब्द थे। मैं भारतीय क्रांतिकारी विष्णु गणेश पिंगले बोल रहा हूं। मैं क्रांतिकारी रहा, लेकिन इतिहासकारों द्वारा मुझे कभी क्रांतिकारी का दर्जा न देकर मुझ पर एक अपराधी का कलंक लगा दिया गया, जिसकी छाप आज तक भारतीयों के मन से नहीं उतर पाई है। आज मैं उस कलंक को ही मिटाने आया हूं जो मुझ पर पिछले 100 सालों से भी अधिक वर्षों से लगाया गया है। मैं भारतीय वीरों में वही पिंगले हूं जिसने तब 300 बम का इंतजाम कर लिया था जब भारतीय क्रांतिकारियों के पास पिस्तौल भी नहीं हुआ करती थी। मैं वही पिंगले हूं जिसने मात्र 27 वर्ष की उम्र में देश की स्वतंत्रता के लिए खुशी खुशी फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। आज मैं आपको गदर पार्टी और उससे जुड़े संपूर्ण इतिहास को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मेरे जन्म और मेरी शिक्षा के बारे में बताता हूं। मेरा जन्म 2 जनवरी 1888 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पूना जिले के पास एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। मैं 9 भाई बहनों में सबसे छोटा था और मुझे 9 साल की उम्र में तालेगांव दाभाड़े के प्राथमिक विद्यालय में भर्ती कराया गया। 1905 में मैंने पूना के महाराष्ट्र विद्यालय में दाखिला लिया जो उस समय बॉम्बे विश्वविद्यालय हुआ करता था। स्कूल में रहते हुए मैं उस समय के राष्ट्रवादी आंदोलनों से काफी प्रभावित था। मैंने बीडी सावरकर के नेतृत्व में आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्रवादी आंदोलन में मेरी शुरुआती भागीदारी ने एक स्थायी छाप छोड़ी। हालांकि बाद में धन की कमी के कारण महाराष्ट्र विद्यालय के बंद होने के बाद 1908 में मुझे तालेगांव के समर्थ विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। 1910 में समर्थ विद्यालय को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। उसके बाद मैं मुंबई के लिए रवाना हुआ और माहिम में गोविंदराव पोद्दार के पाइनियर अल्कली वर्क्स में रोजगार पाया। श्री पोद्दार एक राष्ट्रवादी और विस्फोटकों के विशेषज्ञ थे। वह राष्ट्रवादी समूह से संबंधित थे और उसने मुझे अपने सहयोगियों से मिलवाया। उनमें से एक वसई के वकील हरि लक्ष्मण पाटिल थे जिनके साथ मेरी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। जापानी हथकरघा उद्योग से प्रेरित स्वदेशी आंदोलन की ऊंचाई पर मैंने लातूर के पास ओसा में अपना छोटा स्वदेशी करघा शुरू कर दिया। हालांकि मेरा सपना एक इंजीनियर बनने का था। मैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से भी काफी प्रभावित था। 1911 में मैंने ओसा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए छोड़ दिया और अपने प्रस्थान की खबर अपने परिवार से भी छुपा कर रखी। केवल अपने बड़े भाई केशवराव को रेलवे स्टेशन पर अपनी योजनाओं के बारे में बताया। मैं हांगकांग के रास्ते अमेरिका पहुंचा और 1912 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र के रूप में दाखिला लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए मैं गदर पार्टी से जुड़ा और एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गया। भारत में अपनी जड़ें जमा चुके ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए देश और विदेश में भारतीय नवयुवकों ने सशस्त्र क्रांति की ज्वाला को एक भयंकर ज्वालामुखी के विस्फोट में बदल दिया। गोरिल्ला सैन्य अभियान चलाने का निश्चय किया जिनमें से एक मैं भी था। 1914 के अंत और 1915 के प्रारंभ में गरज रहे विश्वयुद्ध के बादल बरसने शुरू हो गए थे। जर्मनी ने इंग्लैंड को घेर लिया। ब्रिटिश सेनाएं यूरोपीय देशों में उलझ गई। फलतः भारत में तैनात इंग्लिश फौज की अधिकांश पलटने भी इंग्लैंड के अस्तित्व को बचाने के लिए यूरोपीय देशों में व्यस्त हो गई थी। ऐसे समय में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 जैसा सशस्त्र संग्राम छेड़ने की योजना क्रांतिकारियों ने बनाई। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए विदेशों में संघर्षरत गदर पार्टी के सेनानियों ने भारत में आकर क्रांति का झंडा बुलंद कर दिया। रास बिहारी बोस के मार्गदर्शन में एवं नेतृत्व में अमेरिका और कनाडा इत्यादि देशों में सक्रिय भारतीय क्रांतिकारियों ने सामूहिक रूप से हजारों की संख्या में जलमार्ग से भारत की ओर प्रस्थान कर दिया। गदर पार्टी के आह्वान पर भारतीय युवकों ने इस देशव्यापी सैन्य बगावत में भाग लेकर अपने जीवन की आहुति के निश्चय के साथ ही मारो अंग्रेजों का नारा बुलंद कर दिया। अमेरिकी कनाडा से हांगकांग, सिंगापुर और रंगून के रास्ते से भारत आ रहे इन स्वतंत्रता सेनानियों ने इन सभी देशों में तैनात भारतीय सैनिकों को अपने वतन की आजादी के लिए बगावत करने की सलाह दी। सिंगापुर में तैनात एक सैनिक टुकड़ी को तैयार कर लिया गया।
अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 1914 में जापानी समुद्री जहाजों से हजारों भारतीय देश में आ गए। इनमें पंजाबी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इन सभी सेनानियों को विभिन्न स्थानों पर भेजने तथा इन्हें काम सौंपने की जिम्मेदारी रास बिहारी बोस को सौंपी गई। यह सारी व्यवस्था बनारस को केंद्र बनाकर की गई। 1914 में ही क्रांतिकारी भाई परमानंद, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद, पंडित काशीराम, करतार सिंह सराभा इत्यादि सभी सक्रिय क्रांतिकारी भारत पहुंचे। बंगाल व बिहार की जिम्मेदारी बाघा जतिन को दी गई। मुझे दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक 18 वर्षीय नवयुवक करतार सिंह सराभा को पंजाब और सिंध में बगावत करने की कमान दी गई। इन सभी स्थानों पर सैनिक छावनी में जाकर विद्रोह करवाने के उद्देश्य से भारतीय सैन्य अफसरों से संपर्क करने का अभियान छेड़ दिया गया। 1915 के शुरू होते ही प्रमुख क्रांतिकारियों की एक आपातकालीन बैठक का आयोजन बनारस में किया गया। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में 21 फरवरी 1915 के दिन सारे देश में एक साथ सशस्त्र क्रांति का श्री गणेश करने का निर्णय लिया गया। लुधियाना, अमृतसर, जब्बेवाल इत्यादि स्थानों पर बम बनाने के गुप्त कारखाने स्थापित कर दिए गए। अमेरिका से प्रकाशित गदर नामक पत्रिका को भारत में छापने के लिए भूमिगत प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी कर दी गई। 13 जनवरी 1915 को छपे गदर पत्रिका के अंक में भारतीयों से कहा गया, देशवासियों को विदेशों में जाकर हथियार बनाने का प्रशिक्षण लेना चाहिए। इन लोगों को विदेश से हथियारों की खेप भारत में आजादी की जंग लड़ रहे क्रांतिकारियों तक भेजने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसी प्रकार इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र और धन मंगवाने के प्रयास भी किए। इसे तो बैंकॉक, शंघाई और बटाविया स्थित सभी राजदूतों से वार्तालाप किया गया। क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ और अमरेंद्रनाथ चटर्जी ने इस सारी व्यवस्था संभाल ली। विदेशों से प्राप्त शस्त्रों को जलमार्ग द्वारा भारत भिजवाने का काम क्रांतिकारियों के जनक कहे जाने वाले लाला हरदयाल कर रहे थे और देश की विभिन्न बंदरगाहों पर हथियार को उतारने व उन्हें सभी क्रांति दलों में वितरण का कार्य गुप्त बाघा जतिन संभाल रहे थे। एक क्रांतिकारी विनायक कापले ने बंगाल से पंजाब में शस्त्र भेजना शुरू किया। इलाहाबाद में बगावत करने के लिए एक स्कूल अध्यापक दामोदर स्वरूप आगे आए। जबलपुर में नलिनी बागची को सैनिक छावनी में विप्लव का संदेश और सूचना के कार्य के लिए चुना गया। मुझे और क्रांतिकारी सान्याल को साथ लेकर स्वयं रास बिहारी ने लाहौर और अमृतसर के लिए प्रस्थान किया। पंजाब के गाँव में किसान समुदाय ने विशेष उत्साह दिखाया। सभी स्थानों पर सशस्त्र जंग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक शस्त्र, साहित्य सामग्री, राष्ट्रीय झंडे भेज दिए गए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध खुली बगावत और जंग का ऐलान करने वाला एक घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया। लाहौर से ढाका तक सशस्त्र जंग छेड़ने की इतनी संगठनात्मक तैयारी के लिए क्रांतिकारी नेताओं विशेषतया रास बिहारी बोस, पिंगले, सचिंद्र नाथ, सत्येंद्र नाथ, बाघा जतिन इत्यादि नेताओं के बुद्धि कौशल की प्रशंसा तो कई अंग्रेज अफसरों ने भी की। हजारों की संख्या में छोटे छोटे स्थानों पर क्रांतिकारियों की तैनाती, लाखों कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ना और सैनिक छावनियों में जाकर सैनिकों को भागी बनाने का काम अत्यंत जोखिम भरा था। ऐसे समय में देशद्रोहियों और अपने बीच छिपे हुए गद्दारों से निपटना सबसे मुश्किल कार्य था। स्वतंत्रता संग्राम को गति देने के लिए धन की आवश्यकता थी। क्रांति के संचालकों ने किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करने की सोचकर फिरोजपुर जिले के मोगा सब डिवीजन के खजाने को लूटने की योजना बनाई। अमेरिका में गदर मूवमेंट के संस्थापक पंडित काशीराम के नेतृत्व में 15 क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। इस काम में 2 क्रांतिकारी बलिदान हुए, 7 गिरफ्तार कर लिए गए और शेष बच निकलने में सफल हुए। पकड़े गए 7 क्रांतिकारी को फांसी दी गई। हालांकि इन्होंने एक भी कत्ल नहीं किया था। इस समय ब्रिटिश सेनाएं यूरोप में शुरू हो चुके विश्व युद्ध में व्यस्त होने के कारण भारत में उनकी संख्या कम पड़ गई थी। गदर के नेताओं ने विदेशों से आकर भारत में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी। सारे देश, विशेषतः पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल में तो नवयुवक पूरे जोश के साथ 21 फरवरी का इंतजार करने लगे।
मारो अंग्रेजों को के भावुक जज्बे के साथ क्रांतिकारी नवयुवक मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने के लिए मचल रहे थे। सशस्त्र क्रांति की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई। सर्वप्रथम सेना के अंग्रेज अधिकारी को निशाना बनाना निश्चित किया गया। इसी के साथ गैर सैनिक अंग्रेज अफसरों की सूची भी तैयार की गई। जेल पर हमले करके सभी प्रकार के कैदी को छुड़ाकर सशस्त्र क्रांति में शामिल करना और सरकारी खजानों को लूटने की रणनीति बनाई गई। सैनिक छावनियों से शस्त्र लूटकर उन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजना इत्यादि की नीति अपनाई गई। सैनिक छावनी में जाकर भारतीय सैनिकों को बगावत के लिए पहले ही तैयार कर लिया गया था। 21 फरवरी 1915 का लक्षित दिन नजदीक आ रहा था, परंतु दुर्भाग्य देश का और सर्वस्व त्यागने वाले इन राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों का कि पूर्व की भांति इस बार भी एक गद्दार की वजह से सारे पराक्रमी सशस्त्र योजना पर पानी फिर गया। कृपाल सिंह नामक राष्ट्र घातक और अंग्रेज भक्त किसी प्रकार गतर योजना में शामिल होकर सारे क्रियाकलापों की टोह लेता रहा। यद्यपि रास बिहारी बोस ने इसे पहचान कर इसे निपटाने के लिए अपने साथियों से कह दिया था, तो भी पंजाब के क्रांतिकारियों ने इस गद्दार को समाप्त करने के बजाय इसे अपनी कैद में रखकर जंगे आजादी को प्रारंभ करने की तिथि 19 फरवरी कर दी। क्रांति की तिथि 2 दिन पहले कर देने की सूचना भी कृपाल सिंह ने सुन ली। उसने किसी प्रकार वह तिथि तथा सशस्त्र खिलाफत की सारी जानकारी अपने अंग्रेज आकाओं तक पहुंचा दी। गद्दारी ने अपना रंग दिखाया और सब कुछ चौपट हो गया। इस दुष्ट कृपाल सिंह ने वही कर दिया जो जयचंद मीर जाफर जैसे समाज और देश द्रोहियों ने किया था। इसी तरह कुछ मुट्ठी भर नीच व स्वार्थी तत्वों के कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह और सदगुरु राम सिंह के स्वतंत्रता संग्राम कोका आंदोलन विफल हो गया। सरकार चौकन्नी हो गई, यानी अंग्रेज चौकन्ने हो गए। जिस घर में क्रांतिकारियों ने कृपाल सिंह को कैद करके रखा था, उस घर पर पुलिस बल ने पहुंचकर तलाशी ली। भारी मात्रा में बम, बंदूक के गुप्त दस्तावेज और कई क्रांतिकारी सरकार के हाथ लगे। क्रांति की पूरी योजना का पता चलते ही सरकार ने देश के सभी सैनिक छावनियों में सतर्कता बरतने के बंदोबस्त कर दिए। इन स्थानों पर तैनात भारतीय सैनिकों को हटाकर अंग्रेज सैनिकों को तैनात कर दिया गया। बगावत की संभावना का अंदाजा लगाकर सैनिक टुकड़ियों को क्रांतिकारियों द्वारा निश्चित किए गए उन स्थानों को भी घेर लिया गया जहां से स्वतंत्रता युद्ध प्रारंभ होना था। सरकारी खजाने पर पहरे मजबूत कर दिए गए। इसी समय एक और अंग्रेज भक्त नवाब खान भी भारत में आ गया। उसने पहले अमेरिका में गदर पार्टी में शामिल होकर सारे राज और तौर तरीकों की जानकारी ली और ये भारत में आकर मुखबिर बन गया। इस गद्दार की कहानी जानकर सरकार ने गदर पार्टी के कई सैनानी को गिरफ्तार कर लिया। सरकार यहीं तक नहीं रुकी, उसने बगावत में शामिल होने वाले संभावित परंतु बेकसूर भारतीय सैनिकों को भी गोलियों से उड़ाना शुरू कर दिया। संभावित विद्रोह को पूर्णतः समाप्त करने के लिए सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट के तहत एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई जिसने सभी गिरफ्तार क्रांतिकारियों को मौत की सजा दिलाने का काम अपने हाथ में लिया। इन क्रांतिकारियों को अपना पक्ष रखने की कोई सुविधा नहीं दी गई। सरकार की एक ही दमनकारी नीति थी, लालची स्वार्थी और बुजदिलों को साम दाम दंड भेद की नीति से अंग्रेज भक्त बनाओ, इनकी सहायता से क्रांतिकारी को पकड़ो, जेल में ठूस कर यातनाएं दो, न्यायालय का नाटक करो और फांसी पर लटका दो। इस विद्रोह की संभावित लपटों को पूरी तरह बुझाने के लिए सरकार ने अंधे कानून का सहारा लेकर अत्याचारों की सारी सीमाएं पार कर दी। भारतीय सैनिकों और देशभक्त क्रांतिकारी को गोली मारना, फांसी पर लटकाना और देश निकाला देने का गैर इंसानी सिलसिला तेज गति से चलने लगा। जुल्मों का ये कहर विभत्स खेल सरकार ने खुलकर खेला। 37 सैनिकों और क्रांतिकारियों को फांसी देकर मार डाला गया, 72 को गोलियों से उड़ा दिया गया, 13 क्रांतिकारियों की जेल की यातनाओं से मृत्यु हो गई, लगभग इतने ही क्रांतिकारी पुलिस से लड़ते हुए बलिदान हो गए। दमन की क्रूर चक्की से कुछ समय के लिए देश में सन्नाटा छा गया। वास्तव में 1915 के उस स्वतंत्रता संग्राम के विफल होने के और बहुत कारण थे। विश्व युद्ध में फंसे अंग्रेजों ने एक झूठा आश्वासन दिया था कि इस युद्ध की समाप्ति पर भारत को उपनिवेश राज्य यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। कांग्रेस के दोनों धड़े इस झांसे में आ गए थे। वास्तविकता यह है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों की दमनकारी विभेदकारी नीति के कारण राजनीतिक दृष्टि से विफल हो गया, तो 1915 से 16 और 17 का यह संग्राम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं द्वारा विश्व युद्ध में फंसे अंग्रेजों का साथ देने से बिना लड़े ही विफल हो गया। एओ ह्यूम द्वारा स्थापित और संस्कारित कांग्रेस के व्यवहार से भारत में उखड़ते ब्रिटिश साम्राज्य के पांव पुनः जम गए।
जिन्हें उखाड़ने के लिए 30 वर्ष और लग गए, ये भी हम भारतीयों का दुर्भाग्य ही रहा। मेरे और करतार सिंह द्वारा मेरठ में 12वीं कैवलरी रेजिमेंट में विद्रोह करने का अंतिम प्रयास किया गया था। करतार सिंह लाहौर से बच निकले लेकिन बनारस में गिरफ्तार कर लिए गए और मुझे 23 मार्च 1915 की रात मेरठ में 12वीं कैवलरी की तर्ज पर गिरफ्तार किया गया। मुझे मेरठ की जेल में कैद किया गया था। वहां मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने उनके पैर छूकर कहा, माँ फालतू में वकीलों को पैसे मत देना, ये लोग हमें फांसी ही देने वाले हैं। माँ रोने लगी। माँ ने कहा, मेरे बेटे तुझे मौत का डर नहीं लगता? तब मैंने कहा, माँ मातृभूमि की स्वतंत्रता कराने की उत्कृष्ट इच्छा है और यही मेरी अंतिम इच्छा भी है। इस जन्म में मातृभूमि का कर चुका लेने दे, अगले जन्म में फिर लौटूंगा तेरा बेटा बनकर और फिर तेरा कर चुकाऊंगा। मेरे और करतार सिंह सराहवा सहित कई अन्य गदरवादी हरनाम सिंह और भाई परमानंद पर अप्रैल 1915 में लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे पर मुकदमा चलाया गया, जो फरवरी की साजिश में मेरी भूमिका के लिए भारत की रक्षा अधिनियम 1915 के तहत गठित एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा किया गया था। मुझे 17 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराबा और पंडित काशीराम के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। देश को आजाद कराने में लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, हजारों लोगों ने अपने घर द्वार छोड़ दिए, सैकड़ों लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हुई क्रांति का नेतृत्व किया। मैं अंग्रेजों की नजर में अपराधी था लेकिन मेरे द्वारा किए गए उस अपराध की वजह से देश को आजादी मिली, ये कई लोगों को आज भी नहीं पता। आप किसी से पूछते हैं कि उसके नायक की विशेषता क्या है, इसके आधार पर उसके नायक की कई विशेषताएं हो सकती हैं। फिल्मों में भी और हमारे जीवन के रक्षकों में भी कई शांतिवादी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अलग अलग तरह से समझे जाने वाले इस पिंगले को भले ही सभी नायक के रूप में न देखते हों, लेकिन जिस क्षण मैं देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था, मैं कई लोगों के लिए नायक बन चुका था। आज हम युवा शक्ति और देश की मशाल जलाने की बात करते हैं, लेकिन विष्णु पिंगले का नाम ही नहीं लिया जाता। यह एक उदाहरण है, हमें युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे उन्हें इतिहास में जगह मिली हो या न मिले हो। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इतिहास के सच्चे नायकों को पहचाने, जो आपको जुआ खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको बीड़ी तंबाकू और सिगरेट पीने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको कोल्ड ड्रिंक के झूठे एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपको बरगलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे झूठे नायकों से मुंह मोड़ लीजिए और अपने देश के सच्चे नायकों को पढ़िए, उनके बारे में जानिए और उनसे सीखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप और किन किन महान क्रांतिकारियों के दबे हुए इतिहास को जानना चाहते हैं, कमेंट में उनके नाम बताइए और हम कोशिश करेंगे कि उनके बारे में रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेकर आए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।